अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज हाँ, वन थिंग इज डेड कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो लाजमी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और ताकि और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और मुनीब भी आ गया, तो चल लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो कैसे हैं मुनीब आप? ठीक ठाक। आप तो आज छुट्टी की आपने? जी आज मैं। क्यों वजह? अच्छा चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यार पौधों को पानी भी देना है, पहले पौधों को पानी देते हैं फिर बाद में जो है बाकी के तकाजे पूरे करेंगे। पहले इसमें पानी भरेंगे फिर इसके बाद पौधों को पानी दे देते हैं, उसके बाद जो है बाकी के तकाजे पूरे करेंगे। क्योंकि पानी देना मस्ट है इनको, जब पानी आज तो पानी देना भूल गए तो जाना 9 बजे देते हैं, अब तो 11 बजे टाइम लेट हो गया। उसके अगर पानी नहीं दे तो ये मुरझा जाते हैं, तो इनका रंग वगैरह भी आपको पता है चेंज हो जाता है और फिर अच्छे भी नहीं लगते। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पौधे कितने प्यारे लग रहे हैं और इनका सुबह सुबह के टाइम पे इनका जो नज़ारा होता है, ओहो अगर आप देख लें नज़ारा तो ओहो नाइस ब्यूटीफुल, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। अगर आप सुबह सुबह के टाइम पर जब सो के उठते हैं, जब आप देखें सुबह सुबह जैसे कमरे से बाहर आए हम देखेंगे बहुत प्यारा नज़ारा दिख रहा होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो है बच चुका है तो अब इसको हम किसी बाउल की मदद से ना पानी दे दें पौधों को। पानी भरते हैं यार, सबसे पहले इसको वाले को देते हैं। दूसरे को यार पानी दे दिया है, भाई पानी दे दिया है। अब जो है इनको धूप वगैरह लगेगी तो इसमें जो है थोड़े से फूल वगैरह खिलेंगे। फूल तो खैर नहीं है, तो ये कि पहले इनका रंग जो था वो ऐसा था, अभी भी ऐसा ही है, लेकिन ये दो पौधे कहीं मैंने छाँव में रखे थे जिसकी वजह से ये इनका रंग चेंज है। कुछ ही दिनों में इनका रंग भी चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। ये भी इसी तरह बहुत प्यारे लगेंगे, खिलेंगे, ऊपर बड़े होंगे। और बाकी एलोवेरा का पौधा यहाँ लगाया हुआ है और यहाँ भी एलोवेरा का पौधा लगाया हुआ लास्ट में दो, बाकी जो हैं वो ऊपर लगाए हुए धूप में रखे हुए, जब वो बड़े होंगे तो उनको भी नीचे ले आएंगे इंशाल्लाह। और ये है हमारे पास ज़ख्मी पत्ता, इलाज इसका बड़ा बेहतरीन, ये पत्ते काम आते हैं इलाज के लिए। एक चीज़ तो आपको बताना भूल गया हूँ, हमारे पास से ये हड्डी कमांडो, इसको दिखाएं ज़रा कैमरा में, फोकस करें थोड़ा। ये हमारे पास तकरीबन इसको 6 मंथ हो गए, सब इसको बाहर निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं। बाहर निकालना ना, फिर इसमें भाग जाना है ना भी। तो आपको कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताना। और पीछे हम आपको अपने बर्ड्स दिखाते हैं, तो ये है हमारे बर्ड्स, ये है इसमें फिशर भी है हमारे पास, ब्लू फसनाटा भी है। तो मादी जो है ब्लू फसनाटा के अंदर है, तो अंडे दिए हैं लेकिन बच्चे वगैरह देते नहीं, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, इनको बेचेंगे जाके सेल करेंगे। और नीचे जो है ब्रीडिंग, जिस चीज़ का इंतज़ार था और डर था वही हुआ हमारे साथ। चाह रहा था कि बच्चा नहीं निकले लेकिन वो बड़ा हुआ नहीं, उसकी ब्रीडिंग मतलब है कि सही तरीके से उसके पर वगैरह नहीं है, लेकिन उसको पहले से नीचे फेंक दिया। वो आपको मैं बता दूँ, दिखाओ पूरा सामने बैठा हुआ है छोटा सा है, मैं आपको बाहर निकाल के बताता हूँ। यार मुनीब ये तो बहुत ज़्यादा ही छोटा है, तो मर जाएगा इसको, अभी से डोली में दोबारा डालना पड़ेगा। ये कल ही मुझे शक हो रहा था कि ये निकलेगा लेकिन आखिरकार आज निकल ही गया। कितना प्यारा क्यूट है, इसको दोबारा डोली में डालते हैं। नहीं इसको दोबारा डोली में डालते हैं, सही है, इसको दोबारा डोली में डालते हैं फिर। और बाकी के जो है केज वगैरह की सफाई भी करनी है, सफाई भी करते हैं। और इसके साथ जो है बाकी ब्रीडिंग भी देखते हैं, किसने बच्चे दिए हुए या अंडे दिए हुए, ठीक है। वो ये काट रहा है, वो तेरी पकड़ 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 बस इसको अभी रखते हैं अंदर जाके और फिर बाकी की आपको ब्रीडिंग। वो तेरी नीचे गिर गया,
लल्लू, बाकी जो देखते हैं कि किन पैरट्स हैं अंडे दिए हुए। बंद करो, ठीक है। ये निकला है मेरे ख्याल से यहाँ से, यहीं से निकला है ना? यही सर, टिली मारी ने अंदर दिया ना। सबसे पहले मेन चीज़ है कचरा साफ करना, क्योंकि इसमें ये जो है सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये का फनिकल आया ना, ये कद दोबारा निकलेगा। बाकी बंद करो, चलो यार पहली डोली में चेक करते हैं। पहली डोली में कुछ भी नहीं है, दूसरी में वही बच्चा है जो हमने डाले, तीसरी हाँ कुछ तो है यार इसके अंदर नज़र आ रहा है। इसको निकालते हैं यार पहले, और फिर बाजरा रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो है ना माशाल्लाह इसमें जो है हमने तीन बच्चे दिखाई दिए हैं हमें, एक है और दो है, ये हो गए तीन, तीन बच्चे हैं और तीन हमारे पास जो अंडे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ब्रीडिंग दी है इस मादी ने। और बाकी जो डोली के अंदर कचरा है वो हम साफ़ कर देते हैं बाद में, वैसे भी हमने कैद साफ़ करना है। इस हड्डी कमांडो को हटाओ यार, बच्चे को मारे इसको फटाफट रखते हैं यार, पीछे जो हड्डी कमांडो आया था वो हमला करेगा इनके ऊपर। चलो यार इसको रखती है, और अब इसको हम रख देते हैं वहाँ पे जगह पे। टाउटा तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, और हमारे चैनल व्लॉग ऑन रिकॉर्ड को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।